नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट, एमपीटेट, सुपर टेट, साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। आप अपना अनुमान भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया था। चार विकल्प आपके सामने हैं, पियाजे, कोहलर, वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग। तो जो सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर जिसने अधिक बल दिया वो है वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होना चाहिए। किस प्रकार की, दार्शनिक की, मित्र की या सहजकर्ता की या डी है अनुदेशक की। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है निर्मितवाद के अनुसार, तो अध्यापक की भूमिका यहाँ पर होना चाहिए सहजकर्ता की। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है। स्किनर, पियाजे, बर्ट या फिर डी है गिलफोर्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है ये है जीन पियाजे का। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो चार विकल्प हैं, वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, सी है गाल्टन और डी है जीन पियाजे। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास आपने बहुत बार नाम सुना होगा, और संज्ञानात्मक विकास जो था ना ये इस पर व्यवस्थित कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है। परिपक्वता एवं अधिगम, बी है परिपक्वता एवं आर्थिक स्थिति, सी है पर्यावरण एवं परिपक्वता और डी है अधिगम एवं पर्यावरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिपक्वता एवं अधिगम ये कारक जो हैं ये संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी इन्हें माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समिति प्रेरक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या चिंतनशील नैतिकता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये परंपरागत नैतिकता। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाद या सहचर्यवाद के सिद्धांत का कौन सा यहाँ पर संबंधित है। तो स्थितियां व प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, सी है उद्दीपन व प्रतिक्रिया और डी है संवेग व प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा उद्दीपन और प्रतिक्रिया। ये संबंधवाद या सहचर्यवाद के सिद्धांत में से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, अचेतन, सचेतना, अर्ध सचेतना या फिर बहुचेतन। तो देखिए मनोविश्लेषण के अंदर जिसके अध्ययन पर बल देते हैं वो होता है यहाँ पर अचेतन। ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है, प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, सी है प्रभावहीन और डी है कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा प्रभावहीन। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, किसने कहा है। जर्सल्ड, स्टेनले, हॉल, किलपैट्रिक, कार्ल सैनिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जर्सल्ड ऑप्शन ए ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की पांचवी अवस्था कौन सी है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की पांचवी अवस्था कौन सी है। आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, बी है व्यक्तित्व एवं विनिमय, सी है सामाजिक क्रम को लागू रखना और डी है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार यही कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की पांचवी अवस्था है। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, छद्म परिपक्वता काल होता है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या डी है गर्भावस्था।
तो बाल्यावस्था जो होती है वो छद्म परिपक्वता काल होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्या? उचित व्यवहार, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, डी है किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नहीं है? परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, सी है क्रियात्मक स्तर, डी है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रियात्मक स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास के सामाजिक निर्धारण अवस्था संबंधित है। तो यहाँ पर नैतिक विकास के सामाजिक निर्धारण अवस्था संबंधित होगी कोलबर्ग, गिलफोर्ड, जीन पियाजे या फिर डी है थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर नैतिक विकास की सामाजिक जो अवस्था है ये संबंधित होती है कोलबर्ग से। ब्रिजेस के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है और यह है उसका सामाजिक व्यवहार, संवेगात्मक व्यवहार, सामान्य व्यवहार या फिर आक्रामक व्यवहार। तो देखिए वो गुस्सा करता है, खुश रहता है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये शिशु के संवेगात्मक व्यवहार होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है बच्चों को, किशोरों को, प्रौढ़ों को, लड़कियों को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन बी, किशोरों को। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल, समायोजन का काल, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण या डी है सामान्य काल। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तूफान का काल, क्योंकि किशोर अवस्था जो होती है उसे तूफान का काल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या फिर उक्त सभी। तो आपने यदि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसे पढ़ा हो तो देखा होगा कि उसमें 4 संज्ञानात्मक अवस्था दे रखी है, तो उसमें से 3 यहाँ पर दर्शाई गई। तो ये सभी जो हैं ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के विकास सिद्धांत में रक्तस्थान अवस्थाएं हैं 6, 8, 7 या 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके एरिक्सन के जो विकास सिद्धांत है इसके अंदर अवस्थाएं होगी 6, 8, 7 या 5। तो इनमें से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 8, ऑप्शन बी। चलिए, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य, समाजीकरण और डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा समाजीकरण। चलिए, जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है। तो इसे क्या कहा, अनुकूलन, स्कीमा, संरक्षण या अंतः प्रज्ञा। तो यहाँ पर इसे कहा है अनुकूलन, क्योंकि बालक उसके वातावरण के मध्य जो चलने वाली क्रिया होती है उसमें समतुल्यन कर लेता है, तो मतलब अनुकूलन कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के भार, कुल भार का कितनी प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है, 40%, 35% या फिर 45% और डी है 33%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगभग 45% मांसपेशियों का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है सहयोग में, उत्तेजना के रूप में, संघर्ष में या फिर डर के रूप में। तो देखिए संवेग की जो प्रथम सामान्य विशेषता होती है वो दिखाई देती है उत्तेजना के रूप में, ऑप्शन बी। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 4 से 10 वर्षों तक, 12 से 15 वर्षों तक
या सी है 16 से 10 वर्ष 10 प्रौढ़ा वर्षों तक और डी है 10 से 13 वर्षों तक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नैतिक स्तर होता है ना वो 10 से 13 वर्षों तक बना रहता है। चलिए, यह विचार किसने दिया कि विकास के किसी भी पढ़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विकास कि किसी भी पड़ाव पर कोई वस्तु सिखाई जा सकती है, प्याजे ने कहा, असुबेल ने, ब्रूनर ने या फिर गेने ने? तो ये कहा है ब्रूनर ने, ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से हैं जैविक परिपक्वता, समसमायोजन, भौतिक परिवेश का अनुभव और डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, ये सभी। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं और यह विचार किसका है? कृत्यवादी, संरचनावादी, एस आर सहचर्यवादी और डी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एस आर सहचर्यवादी, ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या होती है? प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन और डी है परिकल्पना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रतिमूर्ति निर्माण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? विकास, परिवर्तन, समावेशन या फिर स्थिरता? तो देखिए, किशोर अवस्थाओं की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाले के लिए एक शब्द होगा परिवर्तन, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। क्योंकि किशोरावस्था में देखते हैं कि शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए सबसे अच्छा शब्द हम दे सकते हैं परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा उत्तर। दोस्तों, ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।